अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, ये देखो मेरा जैकी अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। माशाल्लाह अभी थोड़ा अच्छा हुआ है, ये पूरी हरकत में आया है। लगता आप लोग की दुआ काम आई है। लोगों कमेंट्स आ रहे हैं कि बकरे को क्या खिलाते हैं, क्या करते हैं, वो सब बताओ। बताने में भी कुछ नहीं है, पहले ये तो बन जाओ तो मैं बताऊँ ना। अभी मैं बताऊँगा, पहले ये तो बनाओ फिर बताना। अभी से बता रहे हो, मैं चाहता हूँ पहले ये बन जाए, उसके बाद आपको बताऊँगा ये कैसा ये बना है और मैं इसको क्या खिलाया हूँ, कैसी तैयारी दे रहा हूँ, सब बताऊँगा मैं इंशाल्लाह। बस दुआ करो कि ये अच्छा हो जाए। खुजली अच्छी हुई? अभी हल्की है थोड़ी। खुजली के लिए क्या लगाए थे? अभी एक ने मैसेज किया था कि बोले कि वो कापूर का तेल और खोपरे का मिला के कर दो। मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई जानवर खरीदता हूँ तो मैं बोल के देता हूँ कि भाई ये ख़राब है, ये है नुस है, क्योंकि किसी को फंसाना अच्छा नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर देते हैं, बस अपनी जान छुट्टी करते, दूसरे की जान दुखी कर देते हैं। तुम सोच समझ के लेते बकरा, अच्छे से देते भी अच्छे से हो। मैं देता हूँ, सबका पैसा पैसा होता है। यही नहीं कि भाई इसका पैसा ऐसा है तो उसको भिड़ा दो, कुछ भी ये नहीं करने का। जानवरों को दिल से पालते? दिल से पालता हूँ मैं, मेरे को सब चलता है। मैं तो बोलता बता के दो तो मैं इसका इलाज करूँ ना। अब छुपा के दे गया और मेरे को मालूम नहीं तो मैं कैसा इलाज करूँगा। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि जब भी जानवर दो बता के दो कि भाई इसमें ये है, ये है, ऐसा करके बोल के दो ना, तो आदमी का दिल से इसमें और या क्या है, आदमी का दिल से लेता है, फिर बोल नहीं सकता है ना कैसे मेरे को फंसाया, उसकी आय बदवा निकले क्या मतलब। ये कौन सी जात का है? ये सानियन है। ये इसकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन अभी भी थोड़ा है, सुस्त है, इंशाल्लाह हो जाएगा एक दो दिन में। इंशाल्लाह उसके बाद मैं उसको तैयार कर लूँगा, फिर आप लोग को बताऊँगा। ये क्या लगा रहे हो? ये उसको खुजली है ना, उसके लिए मलम है। हम देखते हैं इससे फ़ायदा होता है कि नहीं। अंदाजे से इधर उधर लगा रहा हूँ, पहले चेक कर लिया था हाथ से, जख्म ऐसे मेरे को लग रहे थे, अब झुके तो जाएगा नहीं, इसके लिए भी मैं उसको ऐसे अपने अंदाजे से लगा रहा हूँ बस। ये जख्मों का मलम है पूरा? ये खुजली का मलम है। ये मैं बताऊँ फ़ायदा हो जाएगा तो उसके बाद बताओ तो अच्छा लगता है। अभी क्या बोले, मैं तो ट्राई कर लूँ कैसा चल रहा है, क्या इसको फ़ायदा होता है कि नहीं होता, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं सब आपको बताऊँगा, तुम लोग को भी आगे काम आ रहे। लेकिन मेरा फायदा हो, इसको फायदा हो तो। अभी इसके क्या वजन पे होएगा ये? जब मैं इसको लिया था 40-45 किलो का था ये। अब तुम कितना टारगेट है तुम्हारा करने का इसको? अभी पहले अच्छा हो तो फिर मैं नहीं, अगर अच्छा हो गया तो अच्छा इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, और कभी कोई आता है तो फिर दे भी दूंगा मैं, सब कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा होने के बाद ही दूंगा। मैं नहीं चाहता वो भी मेरे तरह दुखी हो जाए, पछता हो, तो मैं जो भी होगा उसको बोल के दूंगा, खर्चा करके दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट डे सो गाइस, अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये। अभी माशाल्लाह इसमें थोड़ा फर्क है, खा रहा पी रहा है थोड़ा, इंशाल्लाह इसी रहे तो बहुत अच्छा है। मुझे ईमानदार से बता बकरा अभी कैसा हुआ? देखो झूठ तो नहीं बोलूंगा, मैं आते साथ जैसा ही घुसा मैं बोला माशाल्लाह इरफान भाई पत्ते खा रहा था, अभी बोला माशाल्लाह इतना अच्छा हो गया, बकरे में बहुत फर्क दिखा है। अभी जिसको नॉलेज होगा वही समझेगा इसमें क्या फर्क दिखा है क्या नहीं। जो हिसाब में मतलब बोलते ना, एक मजबूती आ गई है, ताकत आ गई है बकरे में, जो कमजोरी में था गुर्बती में था अल्लाह नजर से बचाए माशाल्लाह। बस मेहनत कर रहे अपन, तुम्हारी मेहनत देख लो, मैं कोई ऐसा गलत बात नहीं करूंगा, आप खुद ही देख सकते हो बकरे की लेंथ क्या है। क्यों भराई कर रहे हो उसकी? माशाल्लाह थोड़ा ठीक हुआ है ये, थोड़ा खाने लगा है, खाते आते रुक गया, मैंने थोड़ा खिला भी उसको तो अच्छा, माशाल्लाह पेट भरेगा तो अच्छे से बैठ जाएगा। कोई फर्क है? फर्क तो है माशाल्लाह। अपना एक दोस्त मैंने अपने दामाद के दानिश का दोस्त आया था तो बहुत तारीफ कर रहे थे इसकी, माशाल्लाह अच्छा हो गया है,
मस्त हो गया मेरे माशाल्लाह। अभी कितने जानते ना ऐसा जलते हैं, कुछ भी कमेंट्स करते जल के मारे, समझे? बरसात हो रही थी। कितने जलते भी है, कितने भी कमेंट्स करते हैं, कितने कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है। छोड़ो ना बोलने देने का, बोलने वालों को इग्नोर करने का। भूख भी लगती है इसे? भूख का तो नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा मुंह साफ हो जाता है, जैसे अपने तीखा खाते थोड़ा मुंह साफ करने वाले तीखा खाते थोड़ा, ये नमकीन खाते हैं खट्टा। खुजली में है फर्क उसको? अरे थोड़ा है। अच्छा हुआ ना, इसके बाल निकाल दो ना। अच्छा ये मैं सोचा एक बार हिला के फिर इसके बाल उतार लूंगा। चलो एंजॉय कर रहे हो बकरों के साथ। अभी क्या मैं छोटी छोटी वीडियो से बना रहा हूँ कि अभी एक ही जानवर है, आदमी देख के बोर हो जाता है। इंशाल्लाह दुआ करो कि ज़्यादा जानवर हो, जगह ले लूँ तो इंशाल्लाह बड़ी बड़ी वीडियो बनाऊँगा। इसी में मैं वीडियो जरिए एंड करता हूँ। अच्छा लगे तो क्या करना, लाइक करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो।